आओ साथ अभी नमाज पढ़ने चले पापा को, ईद तो मिलो, ईद तो मिलो पापा को। तो अभिमान को मिलते हैं ईद, ईद मुबारक ईमान। चलिए आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरे ये कजन, ये मेरी फैमिली मेंबर हैं, मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। साथ ईद पर है या ईद नमाज, सबको ईद मुबारक दे रहे हो है मेरा बेटा, सबको साथ की तरफ से ईद मुबारक। व्यूअर्स, हम खैर से ईद नमाज पढ़ के घर आ चुके हैं। इस टाइम हमारे कसाई को आने में देर है, तो इसलिए हम लोग वैसे मीठा खाते हैं हर ईद पे। साथ मेरे व्यूअर्स को ईद मुबारक तो बोलो, साथ बोलो ईद मुबारक। अभी वो जी मूड में नहीं है जी, हम लोग अभी बगैर नाश्ते के गए थे, तो ये सुन्नत तरीका होता है कि घर आके ईद नमाज के बाद फिर फौरन हम लोगों ने अपना कुछ ना कुछ खाना होता है, क्योंकि जब कसाई आ जाएगा उसके बाद फिर जो हमारी आज की डिशेज है मटन और बीफ की वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज इस मेरे व्लॉग में जुड़े। शहजादा है ना, उसने नहीं हमें कोऑपरेट किया। वो कहते नहीं आज मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा और मैंने आपके साथ तस्वीरें बिल्कुल नहीं खिंचवानी। ईमान, आपने बनवाई है पापा के साथ पिक्चर्स हैं? अच्छा, ईद कैसे गुजर रही है मेरे बेटे की? अच्छी गुजर रही है। वाह जी वाह, ये कौन आ रहे हैं? साथ के मामू आ गए हैं ईद मिलने। हाँ जी, ईद मुबारक आपको, बहुत मुबारक अली भाई आपको। और ये जी अवाब आ गए हैं मेरे भाई। हाँ जी, ईद मुबारक जी, हमें ईद मिलने आ गए आपको। ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। ईद का दिन कैसे गुजर रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा गुजर रहा है, आपका बताएं आप? माशाल्लाह, हमारा भी बहुत ही अच्छा गुजर रहा है जी। व्यूअर्स, हम लोग कसाई का वेट कर रहे हैं और काफी टाइम हो गया हमारा कसाई नहीं आ रहा, जिस वजह से ये हमारे बच्चे हैं विंडो में ठहर के वेट कर रहे हैं। शामीर कहाँ गया है? पीर शामीर, कसाई आने वाला है आपका, आपकी मेमी अभी कटने वाली है, मेमी अभी आपकी कटने वाली है, आपके इंतजार की घड़ियां अभी खत्म हो गई। व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी से गुजर रही है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे फैमिली मेंबर और बच्चे खास तौर पे वेट कर रहे हैं ताकि जल्दी से कसाई आ जाए और हमारी मेमी को जिबा करें। हैं हादी, मेमी जिबा होने वाली है? साथ आप बताओ। गाइस, आज के दिन में तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जानवर ज़िबा कराने के बाद उसकी तकसीम का मरहाइल और फिर खाना पकाने और खाने, ये जो मुश्किल काम थे इसमें हमारा सारा दिन गुजर गया है। एक तो कसाई ने बहुत इंतज़ार किया, फिर ऊपर गर्मी की वजह से भी थोड़ी तंगी हुई, लेकिन बहरहाल ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और मेरी इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।